ऑटोकैड ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ब्रेक कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम हैच और ग्रेडियंट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। हैच कमांड की शॉर्टकट की है H। आप जैसे ही H टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो हैच कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड लाइन हमें हैच के इंटरनल पॉइंट को पिक करने के लिए बता रहा है। तो आप जब भी माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट पर मूव करते हो तो आपको हैच कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और एक बात, अगर आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर हैच अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट की जो आउटर बाउंड्री होती है वो पूरी तरह से क्लोज्ड होनी चाहिए, तभी उस पर हैच अप्लाई होगा। अगर वो क्लोज नहीं होंगी तो उस पर हैच अप्लाई नहीं होगा। आप जब भी इस ऑब्जेक्ट पर माउस का राइट बटन को क्लिक करके हैच अप्लाई करते हो तो इस पर हैच अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। और अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर हैच अप्लाई करते हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज नहीं है। इस पर हैच अप्लाई करने के लिए आपको पहले इसे पूरी तरह से क्लोज करना है। देन नेक्स्ट, आप जब भी इस पर हैच अप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर हैच अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको इस हैच की पैटर्न को या इसे एडिट करना है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। हैच सिलेक्ट करते ही यहाँ पर हैच एडिटर का पैनल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर हैच पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैच पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सॉलिड हैच चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर कोई दूसरा पैटर्न चाहिए तो आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप हैच के पैटर्न को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको इस हैच के कलर को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको इस हैच के स्केल को कम या ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ पर स्केल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इस तरह से आप हैच की स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको इस हैच को ट्रांसपेरेंट करना है तो आपको इसे पहले सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इस हैच के एंगल को चेंज करना है तो आपको पहले इसे सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एंगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। तो ये थी हैच कमांड। नेक्स्ट कमांड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की शॉर्टकट की है GRA। आप जैसे GRA टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो ग्रेडियंट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपको जहाँ पर भी ग्रेडियंट चाहिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इतना करते ही ऑब्जेक्ट पे ग्रेडियंट बन जाएगा। तो ये थी ग्रेडियंट कमांड। नेक्स्ट, आप अपने मुताबिक इसे चेंज कर सकते हो। इसका पैटर्न, कलर 1, कलर 2 और एंगल वगैरह को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये थी हैच और ग्रेडियंट कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।